यूपीएससी वर्ड सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या एक इमेज बनती है? देखो इमेज अगर मेरे माइंड की बात करें तो जब मैं एक एस्पिरेंट था जो इमेज बनती थी वो ये थी कि एक व्यक्ति जो जिसके पास में वो ताकत है, वो पावर है, जो पावर उसको आम आदमी से भिन्न बनाती, वो ताकत का नाम है यूपीएससी। पर अब जब मैं पढ़ाने लगा हूं तो यूपीएससी का मतलब हो गया अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। इंजीनियर्स तो सर मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद में पता लग जाता है ना कि इसमें फ्यूचर कम है। मुझे बच्चे को वो 10 या 20% वाला पेपर नहीं निकलवाना है। मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैं बोल दूं भाई 15 सवाल आए थे मेरे, नहीं मैं वो करना चाहता हूँ कि मैंने बोला भाई आधा पेपर मैंने लगा के। आप इतने बड़े अखबार जो पढ़ते हो द हिंदू, इनमें भी फेक न्यूज़ या ऐसी चीजें आती हैं गलत? फेक न्यूज नहीं आती है बट कुछ ना ओपिनियन ड्रिवन होती है। यार मेरे बच्चे आज नहीं तो कल इस देश का बड़ा पद संभालेंगे। मैं एक ही काम कर सकता हूँ, उनको आज की खबर के हिसाब से ये ओपिनियन बिल्ड करने का मौका दे सकता हूँ, वो मैं कोशिश करता हूँ। यूपीएससी वर्ड सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या एक इमेज बनती है? देखो इमेज अगर मेरे माइंड की बात करें तो जब मैं एक एस्पिरेंट था जो इमेज बनती थी वो ये थी कि एक व्यक्ति जो जिसके पास में वो ताकत है, वो पावर है, जो पावर उसको आम आदमी से भिन्न बनाती, वो ताकत का नाम है यूपीएससी, स्पेसिफिकली यूपीएससी का सिविल सर्विसेज। पर अब जब मैं पढ़ाने लगा हूं तो यूपीएससी का मतलब हो गया अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जो कभी भी अपना पैटर्न बदल सकती है। अब जब मैं यहाँ पे आऊं तो उसके मुझे दो अलग अलग पहलू नजर आए। एक पहलू जहां पर एक बच्चा का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो खुश होता है, वो आके मुझे मिठाई खिलाता है, पर वो होता है कितना परसेंट, 0.1%। और दूसरी तरफ वो वाली दुनिया, वो वाले बच्चे जो मेहनत करते जाते हैं, इनका इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई करें, वो जुनून का नाम झूठी है। मैंने सुना आपके बारे में, रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर एनालिस्ट हैं और न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हैं। आप उनमें से एक हैं। तो मतलब सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि व्हाई यू स्पेसिफिकली चूज दिस लाइन अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैंने इसको कम चुना, इसने मुझे ज्यादा चुना। क्योंकि क्या होता है ना, एक तो क्या जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, वो मैंने ये सोच के करी थी कि मैं आगे इंजीनियर बनूंगा, तो वो होता है चुनाव करना। इंजीनियर्स तो सर मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद में पता लग जाता है ना कि इसमें फ्यूचर कम है। तो मैंने भी यही सोचा कि यार अब क्या करें, यूपीएससी की तैयारी में आए, कोशिश करी, नहीं हुआ। तो मेरी लाइफ में नहीं कहता कि एक बहुत टाइम मैं लेकर चलता हूँ, नहीं हुआ तो जल्दी एक्सेप्ट करो, होते ना भाई। मेरे को ना बोरियत वाला सब्जेक्ट नहीं चाहिए था कि मैं आज काम कर लूँ, आज पढ़ लूँ, आज पीपीटी बना लूँ, रोज उसी को ही करता चला जाऊँ। उसमें क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ मुझे क्लास में बैठे बैठे नींद आ जाएगी, वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे को वो वाला टीचर नहीं बनना कि मैं आँख बंद करके भी पढ़ा सकता, मेरे को वो चाहिए था कि मैं कभी बोर ना हो। और उसका सबसे बढ़िया चीज थी मेरे पास न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता अगले दिन 5 बजे अखबार में क्या आएगा, ना बच्चे को पता है ना मुझे पता है। मेरे को हर दिन लगना है सुबह, हर दिन काम करना है, हर दिन नई नई चीजें सीखनी है। तो करने का सबसे बड़ा फायदा या सबसे बड़ा बोलते मकसद वो ये है कि एक तो मुझे हर दिन नया कुछ सीखने को मिल रहा है, उससे मेरे को खुद ना जो मेरी नॉलेज की भूख है वो पूरी होती है। और मैंने एक चीज क्रैक कर ली, बच्चे का पेपर कैसे निकले। मुझे बच्चे को वो 10 या 20% वाला पेपर नहीं निकलवाना है। मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैं बोल दूं भाई 15 सवाल आए थे मेरे, नहीं मैं वो करना चाहता हूं कि मैंने बोला भाई आधा पेपर मैंने लगा के दिया, वो चीज है। इस बार तो मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा हार्ड पेपर आया था यूपीएससी यस, अगली बार, पैटर्न चेंज था, पैटर्न हार्ड नहीं चेंज। था, बेसिकली पैटर्न चेंज हो गया था, इसीलिए क्या होता है कि हार्ड हो जाता है। ओके, तो इस बार करंट अफेयर में सर कितने क्वेश्चंस आए आपके पढ़ाई में? लगभग
जो टेक्निकली जिसकी मैंने अभी बच्चों को पीडीएफ दी है और बच्चों की टेस्टिमनी के हिसाब से कि जो उन्होंने बताया मेरे को कि सर आपके देखो ये टॉपिक है, तो ऑन एन एवरेज इट इज 42 क्वेश्चन। 42 और हाँ सर टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चन में से 42 आए थे, और अगर मैं पिछले साल का कंपेयर करूँ तो देर वर मोर देन 55 क्वेश्चन जो मेरे कोर्स से आए। मतलब आई थिंक सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इतना आपको पता कैसे लग जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले? ये तो एक सच में मुझे लगता है कि जादू वाली चीज है। देखो इसमें ना क्वेश्चन पता लगने वाली बात नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा लोगों से कि कहते हैं कि यूपीएससी इज एन ओशन, पर ऐसा नहीं है। यूपीएससी इज अ पॉन्ड, लिमिटेड है भाई। उन्होंने आपको सिलेबस लिख के दिया, जब आपको ऑलरेडी सिलेबस लिख के दिया है तो उस हिसाब से काम करो। इतने साल से लगातार एग्जाम हो रहा है, नई चीज कहां से लाएंगे? पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन में एक ही चीज नहीं है, वो है करंट अफेयर्स। पर यहां पर ना आपको समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स वो करंट अफेयर नहीं है जो एसएससी में, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो करंट अफेयर्स है ये न्यूज़पेपर एनालिसिस है, जिसके अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को 360 डिग्री एनालाइज किया, पहले किस तरीके के सवाल आए हैं उनको समझा और आगे के सवाल प्रिडिक्ट किए। तो जब वो सब चीजें कंबाइन होती हैं और उसकी एंड एंड स्टेज क्या है कि अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मुझे उसको ये नहीं बनाना है कि वो सारी बातें मेरी माने। मेरे को बच्चे को बनाना ऐसा है कि वो मुझसे सवाल करे कि सर मेरे मन में इस चीज का टारगेट ये समझा पैदा आंसर। हो। हाँ, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म करना और उसकी एक ओपिनियन बिल्डिंग करना, वो सबसे बड़ा काम है। और वो चीज क्या है, वो आपके प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक की जो तैयारी है ना उसको आसान बनाए। न्यूज़पेपर एनालिसिस एक्चुअल में सर देखा जाए तो क्या है ये? देखो क्योंकि न्यूज़ तो न्यूज़पेपर हम भी पढ़ते हैं और इवन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं, सभी अखबार पढ़ सकते हैं। आप उसमें से उन्हें ऐसा क्या दे रहे हो? न्यूज़पेपर एनालिसिस बेसिकली क्या है और उस एनालिसिस के बाद जो बच्चा सीख रहा है या पढ़ रहा है वो एक्चुअल में उनको कैसे एंड तक, प्री, मेंस और इवन आंसर राइटिंग में भी और इंटरव्यू तक मुझे लगता है कि वो उनको कैसे हेल्प कर रहा है? देखो जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ द बच्चे जो न्यूज़पेपर सोचते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, वो असलियत में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं। जैसे आप भी कोई अखबार पढ़ोगे, उसमें कोई न्यूज़ आई है तो आपका ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप। वो एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपने वहां से टॉपिक लिया, ये समझा कि उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ आपने रिलेट किया कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और वो आपने सारे सब्जेक्ट से लिंक किया, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फॉरेन अफेयर्स है, तो आपने वहां से उनको लिंक किया। फिर आपका जो टीचर है उसने आपको अपनी भी ओपिनियन मेकिंग दी कि जो एडिटोरियल या जो न्यूज़पेपर में जो आपको न्यूज़ दी गई है ये उसका एक व्यू है, उसके अलावा उसका पैरेलल व्यू ये है, जिससे कि आपके मन के अंदर एक रैशनैलिटी डेवलप। रैशनैलिटी क्या होती है कि एक बच्चा बोलते हैं ना सिक्के के दोनों पहलू देख पाए। जहां पर उसके मन में रैशनैलिटी डेवलप होगी वो अपने आप एक ओपिनियन बिल्डिंग कर पाएगा। तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन बिल्डिंग बहुत जरूरी है, वो एनालिसिस। आप इतने बड़े अखबार जो पढ़ते हो, द हिंदू, इनमें भी फेक न्यूज़ या ऐसी चीजें आती हैं गलत? फेक न्यूज नहीं आती है, बट कुछ ना ओपिनियन ड्रिवन होती है। जैसे देखो इस दुनिया में कोई व्यक्ति रैशनल नहीं होता, आप हो मैं हूं, कहीं ना कहीं हम लोग 1% किसी ना किसी तरफ इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि हम सबकी अपब्रिंगिंग जिस घर में हुई है, जिस परिवार में, जिस स्कूल में हुई है, जिस कॉलेज में हुई है, वो हमारी मेंटल लेवल को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। ठीक है, दो लोगों की कभी एक जैसी हो नहीं सकती। तो जो लोग लिख रहे हैं अखबार में उनके ओपिनियंस थोड़े से अलग हो सकते हैं, तो वो जो अलग ओपिनियन है ना, हम एज अ टीचर मेरा ये काम है कि मैं बच्चे को सही ओपिनियन दूं। अगर उसमें लिखा है कि सरकार सही कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, गुड गुड लिखा, मैं बच्चे में उसको वो मैं बच्चे को वो नहीं बता सकता। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि उस न्यूज के साथ साथ
सीएजी की एक रिपोर्ट में ये भी आया था कि इसके अंदर ये नुकसान है, इसके ये डीमेरिट्स है। तो वो चीज आइडेंटिफाई करना और उस ओपिनियन को बताना वो जरूरी है। फिर आप एक बच्चे को मौका दो, वो दोनों साइड में से कौन सी चुने, वो जरूरी है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, मुझे लगता है कि जब आपने किसी टॉपिक को मतलब शुरू से लेकर एंड तक क्लियर कर दिया, तो भले ही वो चीज बच्चा भूल जाए क्या पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू में और जब प्री या मेंस में लिखता है तो वो दिमाग में बना रहता है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह सी से। देखो, अगर आप किसी से हेल्दी डिस्कशन कर रहे हो तो आप कभी भूल ही नहीं ये सकते, बात फैक्ट है। और अगर आप सिर्फ उसे रटने के लिए कर रहे हो तो फिर आपको कोई भी आपको याद नहीं दिला सकता। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप कॉलेज में हो, आप एक सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो, वही सेमेस्टर का पेपर जिसमें आपने टॉप भी किया वो अगले सेमेस्टर आपको दे दिया जाए, आपको याद नहीं रहेगा, नई चीज आ गई। पर आपने स्कूल में कभी ना कभी कोई चीज खुशी से एक एक ऐसी चीज जरूर याद की होगी जो आप आज भी आपके दिमाग में होगी और आप 10 लोगों को पढ़ा सकते हो, सही बता बात है। सकते हो। वो क्यों याद रही? क्योंकि आपको उसे पढ़ने में मजा आया, समझने में मजा आया। वैसे तो वो चीज इम्पोर्टेंट। जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, और चूंकि मैं चाहता हूँ ना कि आज बच्चे मतलब सब कुछ जान सकें जो जो आपको अब तक देखते हुए आए, और अमन सर एक्चुअली में है क्या, तो आज मैं नहीं चाहता कि इसको देखने के बाद कोई भी उनके माइंड में डाउट रह जाए, आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि न्यूज़ जैसे कि अभी आपने कहा भी कि इस लाइन ने न्यूज़पेपर एनालिसिस, जबकि इस लाइन ने आपको चुना, आपने नहीं चुना, आपको आइडिया था कि ये भी एक्चुअल में एक प्रोफेशन हो सकता है? देखो, आज भी अगर कोई, क्योंकि मुझसे पूछता है कि सर आप पढ़ाते क्या हो, किसी को नहीं पता, तो मैं उसको बोलता हूँ यार मैं एक न्यूज़पेपर एनालिस्ट हूँ। मेरे अलावा कोई कहता भी नहीं होगा कि मैं न्यूज़पेपर एनालिस्ट हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अगर कोई नहीं भी कहता तो मान लो मैंने एक नया प्रोफेशन बना लिया, ठीक है, एक्चुअल में नया प्रोफेशन क्योंकि सर। मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। प्रैक्टिकल चीज ये है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आज इसका अपॉइंटमेंट हुआ, ये नई स्कीम लॉन्च हुई। मैं बच्चों को विजन दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ, तो वो ओपिनियन करंट अफेयर में नहीं है। बच्चे के अंदर ये सोचने समझने की क्षमता बिल्ड कर रहे हैं कि एक्चुअल में सही क्या है, और ये जज कैसे करेंगे क्या सही हो सकता है, दोनों साइड्स को कैसे जज यार करेंगे। मेरे बच्चे आज नहीं तो कल इस देश का बड़ा पद संभालेंगे। मैं एक ही काम कर सकता हूं, उनको आज की खबर के हिसाब से ये ओपिनियन बिल्ड करने का मौका दे सकता हूं, वो मैं कोशिश करता हूं। तो मैंने इस लाइन को नहीं सुना, इसने मुझे चुना और इसने मुझे प्यार भी बहुत दिया। बोलने ना कि चुन लिया पर प्यार भी बहुत दिया, और उस प्यार की वजह से, उस मोटिवेशन की वजह से ये कि आज भी मेरे को अगले दिन सुबह उठकर उतनी ही मोटिवेशन से काम करने का हौसला मिलता। मैं अगर एक भी दिन क्लास नहीं लेता ना, मेरे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है स्टूडेंट्स का, मुझे ही पता वो मेरे साथ 1 साल ही रहेंगे, बट फिर भी अगर किसी ने मेरी क्लास 1 हफ्ता ले ली, उसका मेरे पास मैसेज आता है सर अब ऐसा लगता है कि एक दिन हो गया आपकी क्लास नहीं ली, आज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, चाहे हम 4 सब्जेक्ट की क्लास ले लें। तो वो वाली चीज है। क्योंकि जो चीज जैसे आप बच्चे से कनेक्ट कर रहे हो, और क्योंकि बच्चे के ना यूपीएससी जर्नी में एक अपने अलग इमोशंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो फिर आपसे वो कनेक्ट भी फील करने लगता है कि भाई ये जो पर्सन सामने वाला पढ़ा रहा है, हर किसी का अपना एक अलग तरीका है पढ़ाने का, तो वो उस हिसाब से आपके साथ फिर रिएक्ट भी करता है फिर लॉन्ग टाइम में, बच्चा कोई भी हो। मैंने अपने आप को ना बहुत अप्रोचेबल रखा है, क्योंकि मैं टीचर से ज्यादा बच्चों का दोस्त बनने में ज्यादा इच्छुक हूँ। क्योंकि जब आप दोस्त बन के पढ़ाते भी हो और ये समझते भी हो ना, तो आप रियलिटी में उनको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी में सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो, एक स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके पास प्रेशर बहुत है, उसके पास सोसाइटी का प्रेशर है, उसके पास फैमिली का प्रेशर है, उसके पास अपने खुद के सपनों का प्रेशर है, उसके पास अपनी उम्र का प्रेशर है, अपनी पिछली पढ़ाई का प्रेशर है कि मैंने 4 साल 5 साल और कहीं दिए हैं, अब मैं क्या करूंगा। कोई तो चाहिए ना जो उनके उस प्रेशर को रिलीज करे। तो वो जो रिलीज वाला वाल्व है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सेम फेज एक्सपीरियंस किया। आई हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग जो आज बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो मेरे को कभी हिलने नहीं देता उन बच्चों के सामने से, क्योंकि मेरे को याद आता है किसी समय मैं भी उसी जगह पर था। तो सर मतलब न्यूज़पेपर एनालिसिस करते करते, और जो फैमिली में डिसीजंस होते हैं पर्सनल
और मान लीजिए कि घर पे वाइफ के साथ कोई एनालिसिस करनी, फिर कौन कंट्रोवर्सी में कौन जीता है, मतलब फिर कैसे? देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। मेरे मैं बहुत ही देखो बोलती फैमिली वाला व्यक्ति हूँ, और मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि एवरी वन हैव देयर ओन ओपिनियन। और मेरा ये मानना है कि आई एम नॉट ऑलवेज करेक्ट। मैं ये चीज मान के चलता हूँ, जब मैं रैशनैलिटी सिखाता हूँ तो मैं रैशनैलिटी को इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो जो फैमिली के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है वो मेरे मदर फादर ही करते हैं। मेरे और मेरी वाइफ के बीच में अगर बाय द चांस कोई भी अगर ऐसी चीज आती है तो डिस्कशन होता है, बट एट द हेल्दी एंड डिस्कशन होता है शी विल विन, आई क्योंकि नो। मुझे लग रहा है ना सर कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो देखो मैंने कितना भी अच्छा आप करियर में आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन घर पे आप नहीं जीत सके। इसमें जीतने की बात नहीं है, इसमें एक चीज है, आपको जीतना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपनों से भी जीतने की होड़ लगा लोगे ना, तो आप करियर में जरूर जीत जाओ एक, पर जीवन में हार जाओ। जीवन में जीतने का जो एक बोलते हैं ना छोटा सा रास्ता है, वो ये है कि हार जाओ कभी कभार, अगर आपको लग रहा है कि इससे जीवन बहुत आराम से बीतेगा। और मेरे को ये भी पता है कि मेरी जो वाइफ है, ठीक है, एक हमारी लव मैरिज हुई है, शी रिस्पेक्ट मी अलॉट, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई ओपिनियन हो और उन्होंने उस चीज को ना समझा, बल्कि शी इज वेरी मच अप्रिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग टुवर्ड्स मी। तो मेरे को उनके ऊपर ये पूरा फेथ है कि वो जो भी अगर बाय द चांस कोई चीज है तो वो हम दोनों की बेनिफिट के लिए होगी, और अगर मैंने भी कोई डिसीजन ले लिया शी ऑल्सो नो दिस डिसीजन। मतलब जब इस वर्ड को ही यूज करते हैं ना यूपीएससी जर्नी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बच्चों के टच में हो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, तो पॉजिटिव साइड्स तो सभी को पता है कि क्या होना है आफ्टर रिजल्ट। नेगेटिव साइड्स, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं, मतलब क्या एक्सपेक्ट लगते हैं, क्या है एक्चुअल में ये पूरी जर्नी? देखो ये जर्नी ना बहुत सारी चीजें साथ में लेकर आती है। मैं भी रिसेंटली के साथ आता हूँ, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कह रहा सर यूपीएससी की तैयारी तो ठीक है पर मुझे लग रहा है अब आगे शादी में दिक्कत आएगी। मैंने क्यों, सब बाल झड़ रहे डेली। सर ये एक्चुअल में स्ट्रेसिंग पॉइंट, मतलब वो वाली बात है, स्ट्रेस वाली बात है। स्ट्रेस तो है क्योंकि समाज बहुत सारी चीजों पे आपको जज करने लगता है, तो ऐसा करके कुछ बच्चे आते हैं कि सर घर से प्रेशर आ रहा है। देखो सबसे बड़ा प्रेशर घर का होता है, परिवार का प्रेशर होता है। बोलते ना चिड़िया धक्का देती है उड़ने के लिए, पर हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि धक्का तो देना है कि उड़ो उड़ो, पर रस्सी बांध के रखनी है, और वो रस्सी की डोर भी अपने हाथ में होती है। आप वो पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि उड़ने के एक छोटे से शब्द से या एक छोटी सी लाइन से उस बच्चे के मेंटल हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो अकेला भी लड़ रहा है ना, वो अकेला जूझ रहा है ना, उसको पता है कि मेरा सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ गिनती के 800-900 बच्चों का सिलेक्शन होगा, 4 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, वो तब भी तैयारी कर रहा है ना, उसके अंदर इतनी हिम्मत है ना, उस हिम्मत को सपोर्ट करना अप्रिशिएट करना सबसे बड़ी चीज है। बच्चों को वो सपोर्ट और अप्रिशिएशन नहीं मिलता, जिनको मिलता है उनका सिलेक्शन होता है, उनका इजी सिलेक्शन हो जाता है, पर क्या होता है वो जो प्रेशर बना रहता है। तो जो जर्नी है ना उसमें प्रेशर नहीं होनी चाहिए, वो पेरेंट्स को सोसाइटी को रिलैक्स करना पड़ेगा, तो वो मेंटल प्रेशर आता है। फिर यूपीएससी एक विशेष साइकिल है, अगर आप इंटरव्यू में भी फेल हुए तो भी आपको वापस से प्रीलिम्स में देना पड़ेगा, उसका एक और प्रेशर डेवलप होता है। और ये अगर आप आज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पूरे आपके 2 साल लेगा, आप आज तैयारी तो करोगे, 1 साल बाद प्रीलिम्स दोगे, फिर उसके 1 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। मतलब अगर आप 21 की उम्र में यूपीएससी कहती है पेपर दे सकते हो, आपने एग्जाम देकर आप 21 की उम्र में घुसे, तो 23 अगर आपका सुपर फास्ट सिलेक्शन भी है तो भी आपको 23 हो जाए, और वो 23 से 28 कब होते हैं पता नहीं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं लगता। और फिर वो ये सोचने लगते हैं कि हमने क्या किया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो है, स्ट्रेस स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हेल्थ वीक हो जाती है,
डिटैच हो जाते हैं सोसाइटी से। एक ठप्पा ठप्पा लग जाता है हाँ फेलियर का। वो देखो एक चीज समझो आप, यूपीएससी ने आज तक फेलियर का ठप्पा नहीं लगाया। सोसाइटी ने लगाया। हाँ यूपीएससी क्या कहता है, आप क्वालिफाइड हो आप नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, हमने एक पेपर बनाया है इसमें बाकी बच्चों के मुकाबले आप पीछे रह गए, पीछे रहे। ठीक है। फेल का मतलब क्या होता है कि तुझसे हुआ ही नहीं, ये पास और फेल के पेपर नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का पेपर। और ये भी मत समझो कि जिस बच्चे का पेपर नहीं निकला या जिस बच्चे ने पूरी मेहनत करी और किसी भी समय पर रह गया उसको बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि वो नहीं कर पाया तो उसे कुछ आता नहीं। बोलते हैं ना कभी कभार असलियत में सक्सेस क्या है, जब आप कई मेहनत और अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो वो सक्सेस है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप वहां पे भी जल्दी आउट ऑफ द रेस हो जाओगे, और आप को मेहनत बहुत कर रहे हो और सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है वो 100 सवाल जो प्रीलिम्स के अंदर है, वो मेंस का पेपर और वो इंटरव्यू बोर्ड, एक भी अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो सारी मेहनत। रिसाइकल। तो उसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा, जिसको सक्सेस नहीं मिली है ना उसको बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, उसका समय नहीं आया। और बच्चों को भी, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा ये बस एक एग्जाम है। अगर आप इसको अपने लाइफ का एक गोल समझ के बैठ जाओगे कि नहीं भाई मेरे को तो यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, मेरी बात खत्म, बन के क्या करोगे उसके बाद, क्या उसके बाद क्या फिर से पेपर दोगे? नहीं ना, लाइफ का एक मकसद बनाओ। यूपीएससी आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम बना रहे हो, उसको एक मीन बनाओ वहां तक पहुंचने का। जैसे किसी को मान लो वैष्णो देवी जाए तो वो ऑटो से जाए, गाड़ी से जाए, पैदल जाए, लेट के जाए, एयरप्लेन से जाए, हेलीकॉप्टर से, कैसे भी जाए, उसको जाना है। मान लो उसमें गाड़ी से जाता, पंचर हो गई तो ट्रेन पकड़ेगा, ट्रेन पलट गई तो क्या, नहीं उतर के पैदल चल लेता हूँ, पैदल पैर में छाले हो गए तो हेलीकॉप्टर कर लेता हूँ, तो रास्ता ढूंढ रहा है ना, मंजिल क्या है, वैष्णो देवी जाना। तो मंजिल चुनो, रास्ता भी देखो कि भाई नहीं मेरी यूपीएससी है, मैं इसके थ्रू जाऊंगा, मुझे करना, डेफिनेटली करो, दूसरों के कहे पे नहीं अपने मन से। आप जिस चीज में पढ़ा रहे हो न्यूज़पेपर एनालिस्ट, कि आपका एक एक्सपीरियंस जो ऑनेस्टली किसी बच्चे ने आपसे आके कहा हो कि सर जो आपने मेरी न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू जो अपब्रिंगिंग लेके आ रहा है, जो आपने मेरी तार्किक क्षमताएं बिल्ड की, उसने मुझे मेंस प्री में भी हेल्प किया, मेंस राइटिंग में भी हेल्प किया, और इंटरव्यू तक सबसे ज्यादा मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसमें आपका बहुत बड़ा मेजर रोल रहा, सिर्फ इस जो थॉट प्रोसेस का, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत सारी चीजें आती है, जब भी और भी बहुत सारी चीजें हमें रटनी पड़ती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पैटर्न समझ में लगते हो तो बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझें, सही इसको बात, लंबे समय तक याद कैसे बनाए रखें, ताकि मैं उसके बारे में सर एक कोई एक अमेजिंग स्टोरी मैं चाहता हूँ जानना कि जो मैं आपको भी रिसेंट की स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास आज सुबह ही एक स्टूडेंट का कॉल आया, मैसेज किया, मेरे पास कॉल आया, तो वो मेंस लिख रहा है, तो चोरीज बहुत है बट ये रिसेंट है तो मैं भी बताता हूँ। आज सुबह की उसका कॉल आया, मैंने बात की, तो कहा सर मैं पिछले 1 साल से आपका करंट अफेयर्स देख, मेरा ही फर्स्ट अटेम्प्ट और प्रीलिम्स मैंने इजीली आपके करंट अफेयर्स से निकालवा और आपकी क्लासेस से, और अब मेरी मेंस की भी तैयारी हो गई सर, अगर मेरा सिलेक्शन होगा ना तो वो आपकी वजह से होगा। पिछली बार काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया नहीं हो पाया, उनका भी यही रहता है। तो मेरी क्लास में मैं मानता हूं, ऐसा मैंने फीडबैक देखा है कि मोर देन 90% ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है। और मैं, मेरा एक छोटी सी डायलॉग है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। तो आज के समय में प्रीलिम्स में, मेंस राइटिंग में और इंटरव्यू पैनल में एक यूपीएससी एस्पिरेंट से यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है? देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स क्या है। प्रीलिम्स में एक बच्चे की रिटेंशन और ऑब्जेक्टिविटी चेक की जाती है कि वो स्टेटमेंट पढ़ के क्या वो रिटेन कर पा रहा है, सही है गलत है, और उसे नहीं कर पता तो वो लिंक कर पा रहा है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जा रहा है। जब वो बच्चा मेंस में पहुंचता है तो उसका एनालिटिकल एनालिसिस किया जाता है, हमने आपको सवाल दिया आप बताओ इसके बारे में और नीचे आप अपनी ओपिनियन दो, आपका थॉट प्रोसेस किया। इंटरव्यू में चेक किया जाता है
आपकी पर्सनैलिटी, इसलिए उसको पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके अंदर चेक किया जाता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका माइंड सेट क्या है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे डिमांड क्या हो रहा है। टॉपिक वही है, कोई भी टॉपिक उठा लो, पर उसका प्रीलिम्स में महत्व, उसका मेंस में महत्व और उसी का इंटरव्यू में महत्व अलग हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ उसका, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाएगा रशिया यूक्रेन वॉर हुई, ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन से देश हैं, वो आपसे पूछ दिया प्रीलिम्स में, रशिया यूक्रेन फूड ग्रेन्स के अंदर क्या एक्सपोर्ट करते हैं क्या इम्पोर्ट करते हैं वो पूछ लिया, रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ वेपन्स यूज हुए होंगे आपसे उनके बारे में पूछ लिया, या पूछ लिया रशिया और यूक्रेन का आपकी इकोनॉमी के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये हो गया प्रीलिम्स। वही चीज मेंस में आई तो आपसे पूछेंगे कि रशिया यूक्रेन की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, वहां पे आ गया एनालिसिस, वो आपसे पूछेंगे रशिया यूक्रेन हुआ उसको आप किन किन सवालों में यूज कर सकते हो। जैसे इकोनॉमी के अंदर सवाल आ गया कि पिछले साल एक्सपीरियंस हुआ कि फूड ग्रेन्स के प्राइजेस आसमान छू गए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट रशिया और यूक्रेन से आता था वो डिस्टर्ब हुआ, या इंडिया के अंदर फ्यूल कैपेसिटी बढ़ी क्यों, इंडिया ने रशिया से सस्ते में लिया, वो आ गया मेंस में। जब आप इंटरव्यू में आते हो तो वो पूछेगा रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत, वहां पे आपकी ओपिनियन बिल्डिंग पूछी जाएगी। अकॉर्डिंग टू यू, आपकी डेट की हम बात करें तो पॉजिटिवली एक एस्पिरेंट को क्या बना रहा है और नेगेटिव इनसाइट्स क्या है कि जो एक बच्चे को निकाल के छोड़ रहा है जिनका नहीं हो रहा है, क्या लगता है अकॉर्डिंग? देखो जो लोग नहीं भी कर पा रहे हैं ना, मैं मान के चलता हूं उनके भी बहुत पॉजिटिव साइड है। द रीजन बिहाइंड, बिकॉज ये आपको ब्रेन ओपन करने की क्षमता देता। जब आप किसी चीज की सही या गलत की परख करना सीख जाते हो तो आप अप्रतिम हो जाते हो, ये तो खुद भागवत गीता कहती है। यहां पर जब आप पढ़ते हो चीजें समझते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सही और गलत की समझ डेवलप होती है, और हर एक सब्जेक्ट को लेकर होती है, चाहे वो साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हर एक सब्जेक्ट की एक समझ डेवलप होती है। अब वो एक बच्चे को पॉजिटिवली उसकी उसके मेंटल लेवल को डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है, और मैं तो ये बोलूंगा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीरियसली कर रहे हो तो अंदर से बहुत शांत भी करती है ना, और दुनिया का नजरिया भी बताती है कि भाई देखिए मेरे बारे में ये सोचता है, इसने इसने बोला तेरा नहीं हो पाएगा, तो वो चीजें भी आपको लर्न कराती है, आपको सिखाती है। नेगेटिव क्या होता है कि कभी कभार प्रिपरेशन में बच्चा ये भूल जाता है कि उसके लिए जीवन जीवन एक बहुत लिमिटेड है, 100 साल जी लो गया, उसमें जीवन भी जीना है, आप एक टाइम दे सकते हो हर एक चीज के लिए, ठीक है, वो टाइम। और बच्चे क्या होता है, बच्चे मिसगाइडेड हो जाते हैं ना, तब वो समय समय लगातार देते चले जाते हैं और रिजल्ट भी नहीं आ पाता। क्या यूपीएससी रील्स आज के टाइम पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मिसगाइड या नए एस्पिरेंट्स को कर रही है? 100% आजकल बच्चा मैक्सिमम कोचिंग सिर्फ और सिर्फ रील्स के माध्यम से चुन रहा है, वो ये भी वो नहीं देख रहे हैं कि कौन पढ़ा रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है, टीचर से बात भी नहीं कर रहे हैं, बस आधार पे आप ले पा रहे हो, आपने कोई भी ले लिया आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट। नहीं तो एक बात बताओ, बच्चा पहले कैसे एनालाइज करता था, मान लो मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है, 10 इंस्टीट्यूट घूमते थे और कहीं जहां पे फ्री क्लास मिलती थी वहां बैठ भी जाते थे, उनके बच्चों से पूछते थे, आज बच्चों से नहीं पूछ रहा है भाई तूने तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सिंपल सिंपल देख रहा है ये रील चल रही है, ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ये फेमस है ले लो। एक सही बच्चे को चुनाव कैसे करना चाहिए आज के समय में? सही बच्चे को चुनाव करना चाहिए, पहली बात तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि किसका क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं आप देखोगे एक बच्चे ने प्रीलिम्स में कहीं एडमिशन लिया, मीन्स में कहीं लिया, इंटरव्यू में कहीं लिया, उसकी फोटो सब छाप रहे हैं, है ना, उसको चुनाव कैसे करना चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूट के टीचर्स की लिस्ट होती है, फिर आप उन टीचर्स की प्रोफाइल भी देख सकते हो, है ना, हर एक जगह पर इंस्टाग्राम फेसबुक, कोशिश करो आप टीचर्स से अप्रोच करने की, उनसे बात कर, वहां पे देखो अगर टीचर आपको फ्री में गाइड करने को तैयार है ना तो कोचिंग जरूर ज्वाइन करो उसकी। तो बंदा फ्री में आपको गाइड करने को तैयार है फिर मतलब इसका मतलब उसके अंदर वो डेडिकेशन है कि वो आपको
वो हासिल करा सकते। और यहाँ पर एक और चीज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं कह रहा हूँ सब अच्छा पढ़ा रहे, पढ़ना भी बच्चे के हाथ में, उसको पढ़ना पड़ेगा, वो डिपेंडेंट नहीं रह सकता 100% कोचिंग। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, वो कोचिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, बुक्स उनकी लाइफ से चली जा रही है, बुक्स के बिना आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर। जब आपने शुरू की तो मतलब लाइक आपने सोशल मीडिया से आपने शुरू किया पहले न्यूज़पेपर रीडिंग्स वगैरह सारे, अन एकेडमी ने कैसे अप्रोच किया आपको? मैं जब YouTube पे था, क्योंकि मैंने अकेडमी 2 बार ज्वाइन किया सर YouTube जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा आप अपनी बताओ, क्योंकि एज आई नो कि आपने बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस क्रिएट करके और आपने YouTube छोड़ दिया, सो व्हाट वाज इट? देखो मैंने YouTube क्रिएट किया था 2017 में, और सबसे तेजी से 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे हुए थे यूपीएससी कैटेगरी में, ओके और सिर्फ करंट अफेयर्स, उसके अलावा कुछ नहीं करता था, मैं अकेला ही था। YouTube पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें 15 मिनट में अखबार पढ़ा दो, उन्हें मैगी चाहिए, ठीक है, और मैं मैगी वाला टीचर हूं नहीं, मैं मैगी नहीं दे सकता, मैं पूरी थाली देने में विश्वास रखता हूँ। जब थाली बनती है तो हर एक सब्जी को बनने में टाइम लगता है, मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस को टाइम चाहिए 1.5 to 2 आवर, वही रिजल्ट में डिफरेंस लाता है। वही आप जो करंट अफेयर देखोगे आधा घंटे का, पौने घंटे का, तो आपके 11, 12, 15 सवाल लगेंगे, और उसी का डिफरेंस आ जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके रिजल्ट में आते हैं। तो मैंने जब वो देखा कि यार यहाँ पे थोड़ा सा कम अप्रोच, यहाँ पे मेरे जो जो मुझे चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा, उसी दौरान फिर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रोमन सैनी सर, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि यू शुड कम टू आर प्लेटफॉर्म, और अन अकेडमी प्लस जब लॉन्च हो रहा था मुझे उससे पहले ही प्री साइन किया गया था 2 महीने पहले, जब मतलब मुझे भी नहीं पता था कि 2 महीने बाद ये लॉन्च होगा, मुझे 2 महीने पहले साइन कर लिया गया था, मुझे तो 2 महीने बाद पता लगा था, 1.5 महीने बाद, कि हाँ कुछ इसके लिए मुझे साइन किया गया, सर बिग प्रोजेक्ट है आपको अच्छा लगेगा। ऑल दो उस समय पर काफी सारे और इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरे पास ऑफर्स थे, तो फिर छोड़ा इसीलिए क्योंकि मुझको वो निश मिल गया जो मुझे चाहिए था, मुझे वो पता लग गया कि नहीं दिस इज हाउ आई विल टीच, यहाँ पे वो ऑडियंस है जो मेरे को समझेगी, तो इसी दिस वॉज द बिग रीजन कि मैंने यूट्यूब से शिफ्ट होना बेहतर समझा, नहीं तो यूट्यूब वॉज ऑल्सो गोइंग गुड, बट ये कि मैं अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं सर करता। मैक्सिमम कितने सब्सक्राइबर्स थे आपके उस समय जब आपने यूट्यूब छोड़ा? जब मैंने यूट्यूब छोड़ा उस समय पे 2.5 के आसपास होंगे, 2.5 लाख, तो इसका मतलब सर तो फिर सीधी सी बात है कि साइनिंग अमाउंट जो है बहुत अच्छा खासा ठीक था। रहा है कि आपने मतलब इतना बड़ा डिसीजन लिया यूट्यूब छोड़ने का। तो आगे को लेके क्या प्लान है सर फिर अब? आगे को लेके अभी तो ये है मेरा कि मैं अब बच्चों को, अभी तक मैं जिस लेवल पे गाइड कर रहा था मैंने अपना गाइडेंस थोड़ा एक्सपेंड किया है, मैं बच्चों को अब तो काफी बच्चों को जो मेंस लिख रहे हैं उनको आंसर राइटिंग वगैरह भी करा रहा हूँ, अच्छा हाँ अपनी बोलते हैं ना अपनी टेक्निकल स्किल्स पे और बेहतर वर्क कर रहा हूँ। आई बिलीव कि एज अ टीचर मुझे हर दिन इम्प्रूव करना है और नई चीजें लर्न कर रहा हूँ उन लोगों से जो कि बहुत बेहतर कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, जिनमें से एक एग्जाम्पल है मेरे सामने हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, ओके मैं माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनको काफी देख रहा हूँ, वो जिस तरीके से जिस हम्बलनेस से चीजें कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, तो मैं ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड से लोगों को स्टडी कर रहा हूँ, उनकी सुन रहा हूँ, उनको समझ रहा हूँ, और आज नहीं तो कल मेरा प्लान ये है कि आई वॉन्ट टू गो इन टू दी ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन में काफी कर लिया, ऑफलाइन में भी मैं करता रहता हूँ, काफी जगहों पर जाता हूँ, कभी सेमिनार्स करता हूँ, बट अब मेरे को ये चाहिए कि मैं बच्चों को वो एक्सपीरियंस दूँ जो ऑनलाइन वाले बच्चे ले पा रहे हैं, जो मिस हो रहा है ऑफलाइन वाले बच्चों के, मैं सोच रहा हूँ कि उनको वो एक्सपीरियंस देना स्टार्ट करूँ, बिकॉज यूपीएससी में ना मिस गाइडेंस होता है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। मिस गाइडेंस और लाइक समथिंग मिस गाइडेंस इन द सेंस कि कुछ टीचर्स बोल देंगे कि आपको किताबें नहीं पढ़नी है, हमारे कोर्स से काम हो जाए, ओके कुछ टीचर्स कहते हैं कि नहीं भाई करंट अफेयर्स डेली मत करो, महीने में एक बार करो। देखो ये ना बहुत
हर एक बच्चे के लिए हो सकता है कि आपने एक दो टॉपर्स या कुछ सुन लिए हो जो कहेंगे मैंने तो अखबार पढ़ाई नहीं, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाई नहीं, बट 90 ने तो पढ़ा। तो आप सिर्फ उन 10% को देखते हो, हर एक बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो मेरी जितनी कोशिश रहती है, मैं कभी मिसगाइड नहीं करता, मेरा जमीर नहीं मानता। जैसे कोई मुझे बोला कि इसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है, तो जो बेस्ट होगा मैं उसी का नाम लूंगा। मेरे साथ ये नहीं है कि मैं जिससे एसोसिएटेड हूं मैं उसी का नाम लूंगा, बिकॉज मेरी सबसे पहली एसोसिएशन मेरे स्टूडेंट्स के साथ, बाकी सब सेकेंडरी है। कि आज के समय में मिस गाइडेंस की वजह से भी बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है बहुत जिनके अंदर कैपेबिलिटी है क्रैक करने की और जो नहीं कर पा रहे हैं। मिसगाइडेंस दो तरफ से हो रहा है, एक तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं ना, जो लोग व्यूअरशिप के पीछे ज्यादा दौड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो है टॉपर स्ट्रेटेजी। आपको समझना पड़ेगा, जब आप भी टॉपर बनोगे ना, आप खुद भूल जाओगे कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉपर ने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, उससे लर्न करो, उसको आप 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उससे सीख सकते हो, देख सकते हो मेरे लिए क्या काम की चीज है। आपकी स्थिति अलग है, आपका टाइमिंग अलग है, आपके घर यार की परिस्थिति आपकी, अलग हाँ है, आपकी आपकी स्कूलिंग अलग जगह हुई है, आपकी स्कूलिंग आपको अलग जगह सब्जेक्ट हुई अलग है, पसंद है, आपकी हर एक चीज अलग है, तो आप कुछ कुछ चीजें सीख सकते और हो। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके फैमिली कंडीशन अलग है, बिल्कुल आपका एनवायरनमेंट अलग है, तो आपको टाइमिंग क्या पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी हर व्यक्ति की, हर एस्पिरेंट की खुद की अलग ही होगी। बिल्कुल और सर मैंने एक चीज नोटिस की है, ये मेरा पर्सनल वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि जितने बच्चे हर साल यूपीएससी में क्रैक करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि हर किसी, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर सेल्फ स्टडी से ही, जिन्होंने खुद किताबें पढ़ी हैं, जिस चीज पर अभी आप फोर्स कर रहे थे कि मतलब एक प्रॉपर, ऐसा नहीं मैंने आज तक कोई भी बच्चा देखा जिसने पूरी 1 साल 2 साल सिर्फ एक ही कोचिंग में उसने अपना दिया हो और उसने अपना यूपीएससी क्रैक कर लिया हो। देखो मैं बताता हूं, आप अगर भगवान तक पहुंचना चाहते हो, आपको अध्यात्म की तरफ जाना है, तो आपको गुरु, कथावाचक, आपके गाइड एक मार्ग दिखाते हैं। उस मार्ग के ऊपर चलना, वो मेडिटेशन करना, उस अध्यात्म को महसूस तो आपको करना पड़ेगा। उसी सेम तरीके से यूपीएससी के अंदर एज अ टीचर, एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, सिलेबस बता सकते हैं कि भाई ये रास्ता है, ये सिलेबस है, ये काम है, पढ़ना आपको पड़ेगा। अपनी तरफ से थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से किताबें पढ़नी पड़ेगी, अपनी तरफ से और सवाल ट्राई करना पड़ेगा। तो आप ये क्यों समझ रहे हो कि नहीं वही सब कुछ है, वो जो देंगे वही है? तो आपको फॉलोअर नहीं बनना है, आपको किंग बनना है। किंग लोग क्या करते हैं, घुस जाते हैं, टीचर के फॉलोअर बन जाएंगे, इंस्टीट्यूट के फॉलोअर बन जाएंगे, रील्स देखते रहेंगे, रील्स बना लेंगे, वो नहीं करना है। बड़ा आदमी बनना है तो सीखो, आगे बढ़ो, और नई चीज सीखो, आगे बढ़ो, इम्प्लीमेंट करो और बड़े बनो। उसका माइंडसेट देखो ना कि है कि उसी के पीछे पीछे हाँ वो एज अ टीचर, और क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने अपने एक्सपीरियंसेस से भी देखी हैं, बहुत सारे बच्चों से आप, क्योंकि मुझे लगता है मतलब आपका इंटरेक्शन ज्यादा रहता है जो टॉपर्स होते हैं, आप इंटरव्यूज भी लेते हैं इतने बड़े बड़े जो अभी टॉपर्स रहे आपने सबके साथ किया। प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए एक एज अ समरी की बात करूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और जैसे कि जो अभी आपने मुझे नई फुल फॉर्म बताई यूपीएससी की, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन इस बार, सो एक्चुअल में बच्चों को ये फील हो रहा है कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए कि स्पेशल? सिलेबस अभी भी लिमिटेड है, पैटर्न चेंज होता है, कभी भी नॉलेज चेंज नहीं होगी। जो टॉपिक है उसके अंदर की डिटेल्स चेंज नहीं होंगी। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो पैटर्न कैसा ही चेंज हो जाए, आपके लिए वो चीज आसान होगी। तो आप चीजें समझने के ऊपर ध्यान दो, पेपर अपने आप निकलता चला जाए।